For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. दबंग फ्रेंचाइज अपने आप में ही कल्ट सक्सेस है और इस फ्रेंचाइज के पहले दो इनिंग्स में ऐसे आइटम सॉन्ग्स थे जो कि आज भी एवरग्रीन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दबंग में मलाइका अरोड़ा की मुन्नी बदनाम हुई और दबंग 2 में करीना कपूर के फेविकॉल से गाने की। अब इन दोनों गानों की अपार सक्सेस के बाद सभी को इंतजार था उस खास अनाउंसमेंट का, जब हमें पता चलता कि कौन सी सेक्सी स्टार इस फिल्म में आइटम सॉन्ग करने वाली है। मगर तब हमें पता चला कि दबंग 3 में कोई आइटम सॉन्ग नहीं होगा। फैंस ये खबर सुनकर काफी निराश हुए और फिर सलमान ने ये रिवील किया कि वो इस फिल्म में फैंस को एक सरप्राइज सॉन्ग से एंटरटेन करेंगे। अब भाईजान की कमिटमेंट थी तो फैंस को बस इंतजार ही करना था, पर ये क्या, सलमान का सरप्राइज तो वाकई में काफी शॉकिंग निकला। जी हाँ, दबंग 3 के लिए सलमान खुद एक आइटम सॉन्ग करने वाले हैं, जहाँ वो मुन्नी बदनाम के बदले मुन्ना बदनाम हुआ गाने पर परफॉर्म करेंगे। वाओ, अब इस मुन्ना बदनाम को देखने के लिए तो उनके फैंस डेस्परेटली दिन गिन रहे होंगे, है ना।